हाय गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद, धनिया का प्रसाद। आप भी एक साबुत धनिया लीजिए और उसको साफ कर लीजिए अच्छे से। फिर आप इसे ग्राइंडर में डाल लें। ग्राइंडर में डालकर आप इसे अच्छी तरह से पीसे, यानी इसे हम पंजीरी का प्रसाद भी कह सकते हैं। यह जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान जी यानी कि गोपाल जी के प्रसाद के रूप में घरों में बनाया जाता है, तो इसलिए आप भी अपने घरों में धनिया के प्रसाद को बनाएं। ग्राइंडर में डालकर इसे पीस लीजिए। पीसने के बाद आप इतना नन्ना पीसें ताकि यह खाने में टेस्टी हो। अगर आप नन्ना ना पीसे तो इसे छान लीजिए। अब आप एक फ्राईदान लीजिए। फ्राईदान को साफ साफ धो लीजिए। फिर अपनी गैस पर रख दीजिए। गैस को ऑन करें। गैस को मीडियम रखें और फ्राईदान गर्म होने के बाद उसमें देसी घी डालें। और कोई सा घी मत डालें, क्योंकि यह भगवान का भोग का प्रसाद है। तो आप इसे बनाने के लिए शुद्ध और स्वस्थ और बढ़िया चीज़ों का प्रयोग करें। अब आप इसमें देसी घी डालें। फिर आप इसमें थोड़े से काजू, खाने वाले काजू यानी कि ड्राई फ्रूट, जैसे काजू, बादाम और किशमिश आदि डालें। जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना या खाना पसंद करते हैं वो आप इसमें डाल दें और थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लें। ये देखिए, हमने इसे थोड़ा सा गर्म घी में फ्राई कर दिया है। आप भी इसे ट्राई करें और गैस को बंद कर दें। अब आप अपना धनिया जो आपने पीसा था वो इसमें डालें। डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि धनिए के साथ घी, धनिया और घी मिक्स हो जाए और खाने में इसका स्वाद बड़ा ही अच्छा है। इसलिए आप इसे धीरे धीरे मिलाएं। गैस को बंद कर दीजिएगा। अब इसे मीठा करने के लिए, अगर आपके पास बूरा है घर में तो आप बूरा यानी कि बूरा डालें, या नहीं तो फिर आप घर में चीनी यानी कि शुगर तो होता ही है, उसे ग्राइंडर में डालें। जितना आप खाना मीठा खाना पसंद करते हैं उसी के हिसाब से आप इसमें डालें और फिर इसे ग्राइंडर कर लें। आप देखेंगे यह एक शुगर का पाउडर सा बन गया है, यानी कि बूरा बन गया है। तो अब इसे हम धनिए को, जो हमने धनिया अभी गैस पर ठीक तैयार किया था, उसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, प्लेट में निकाल लीजिए। प्लेट में निकालने के बाद आप इसमें, हमने अभी जो बूरा बनाया था, आप उस बूरे को इसके अंदर डाल दें और इसे धीरे धीरे मिक्स करते रहें। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं बस उतना ही मीठा डालें और इसे धीरे धीरे मिक्स करें। ये देखिए, हमने इसे धीरे धीरे मिक्स कर दिया है और जब हम इसे चम्मच के साथ सारा मिला दें तो आपको एक बात मैं कहना चाहूँगी कि इसे फिर हाथ से मसलिए यानी कि मिक्स करिए, क्योंकि हाथ का एक अलग ही स्वाद होता है। तो आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा हाथ के साथ मिक्स करें ताकि आपका जो पंजीरी, धनिए की पंजीरी है, वह आपको बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगे, क्योंकि हर एक इंसान के हाथ में स्वाद होता है। अगर हम अपने हाथों से खाना बनाते हैं तो वो बहुत टेस्टी होता है। अपने अपना स्वाद सबका अलग होता है, इसलिए आप अपने जो प्रसाद बनाया है, इस प्रसाद को अब
थोड़ा सा हाथ के साथ मिक्स करें। ये देखिए हमने चम्मच के साथ मिक्स कर दिया है, ये सफ़ेद दिख रहा है इसलिए अब हमने इसे हाथ के साथ मिक्स किया है। ये देखिए इसका रंग बहुत ही सुंदर है। इस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़।